गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप लोगों ने मुझे मेरी पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको। और कुछ दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आज सोच रही हूँ थोड़ा ब्लॉग बनाया जाए। कुछ खास तो नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसे ही जो घर के काम होते हैं। तो आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह तो नहीं बोल सकते, बट 11:30 बजे से मैंने घर के सारे काम कर दिए, झाड़ू पोछा जो भी होता है, नहा धो के आ गई मैं। तो उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या क्या आज मेरी जो घर की एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाती हूँ आपको। तो 12 भी बज चुके हैं और दिन का लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो मैं अब आज लंच में बनाऊँगी कढ़ी चावल, तो वो बताऊँगी आपको कैसे बनाती हूँ मैं कढ़ी चावल। तो ये देखिए, मैंने बड़े वाले बाउल में पहले से ही दही रख दिया है। मुझे तो दही की कढ़ी पसंद है। और अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपको दही की कढ़ी पसंद है या मट्ठे की कढ़ी पसंद है। ये देखिए, अब मैं इसको मैश कर दूंगी थोड़ा सा। दही तो गाढ़ी थी तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, ये देखिए, और इसको अच्छे से मैश करूंगी। ये छोटे से बाउल में मैंने सिर्फ बेसन ही बेसन लिया है क्योंकि इसकी मैं पकौड़ी बनाऊंगी। तो इसको भी थोड़ा सा मैश करके भिगाने रख देती हूँ ताकि मेरी जो पकौड़ियाँ बनेंगी वो सॉफ्ट हो जाएंगी। ये इतना गाढ़ा है, पकौड़ियों के लिए तो ठीक है, बट थोड़ी देर तक इसे 10-5 मिनट रखूँगी मैं अभी, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। बहुत है इतनी पकौड़ियाँ, क्योंकि मेरे घर में पकौड़ियाँ से मुझे पसंद है और किसी को नहीं है। तब तक के लिए मैं और जो चीज़ें मैं कढ़ी में डालती हूँ उनको तैयार करती हूँ। तो ये रहा प्याज और हरी मिर्च और लहसुन, तो इनकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन कटिंग कर चुकी हूँ मैं, और अब आती है पकौड़ी बनाने की बारी। तेल भी गर्म हो चुका है तो अब मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये रही पकौड़ियाँ, अभी मैं इनको तल रही हूँ। तो मैंने इसको धीमी आंच में रख रखा है अभी, क्योंकि धीमी आंच में अच्छे से पक जाएंगी। तो पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं, अब मैं इनको निकाल देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पकौड़ी भी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब आती है कढ़ी पे तड़का लगाने की बारी, तो मैं कढ़ी जरा तड़का लगा देती हूँ। तो कढ़ी पे तड़का भी लग चुका है, अब हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर में। तब तक मैं चावल बना देती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में कैसे बनती है आज की कढ़ी। तो हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। पता नहीं क्यों ये कैमरे में वाइट दिख रही है, बट ये येलो ही है वैसे, जैसे कढ़ी होती है। और अब बारी आती है इसमें धनिया डालने की। उससे पहले मैं 5 मिनट के लिए पकौड़ियाँ डालूँगी पहले कढ़ी में। तो ये मैंने पानी में भिगोई थी तो ये स्पंजी होगी काफ़ी, तो मैं निचोड़ के इसे तो ये देखिए कढ़ी भी हमारी खोल चुकी है अच्छे से। और अब इसमें डालती हूँ मैं पकौड़ियाँ। ये देखिए, ये मैंने पानी में भिगो के रखी थी, थोड़ा सा इनको निचोड़ के और फिर कढ़ी में डाल देती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं कढ़ी में। 1 मिनट के लिए खुला रखूँगी गैस ताकि पकौड़ियाँ भी थोड़ा सा मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया। धनिया तो आजकल बहुत हो रहा है मेरे गमले में,
दिखाऊंगी आपको किसी दिन। तो फिलहाल देखिए अब करती हूँ गैस बंद। तो अभी गर्म है, जब तक खाने की बारी आती है तब तक थोड़ा सा अपने बेटे को भी टाइम दे देती हूँ। इससे तो मैं पहले ही मिला चुकी हूँ आपको, और इसको यहाँ पे आना बहुत पसंद है, डाइनिंग में आना। नहीं छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। नो जल्दी बात, ये देखो किधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मा के पास आओ, मम्मा के पास बटन दबाओ। चलो लाइट खोलो, लाइट खोलो। कैसे खोलते हैं आप लाइट? ऐसे। अरे वाह, फिर से बंद करो, बंद करो लाइट, बंद करो। इसको वहीं जाना है, इसको तो कब तोड़ने से मत। इसकी ये शैतानियां दिन भर की हैं। इसका काम है चीजों को फेंकना, मेरा काम है चीजों को सेट करना, बस यही लगा रहता है दिन भर। एक शैतान, हाय कर दो। हेलो गाइस बोलो। अभी मुझे बोलना नहीं आता, मैं कुछ दिन में बोलूंगा। आ जाओ, चलो लाइट बंद करो, चलो हम जा रहे बाहर। बंद करो लाइट, लाइट बंद करो, ऐसे दबाओ बटन, ऐसे 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 ऐसे। चलो अब हम थोड़ा सा पहले चीकू को खाना खिलाएंगे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जाओ ना, थोड़ा वैसे भी तो रखो। तो अब मैं सबको खाना देती हूँ, देखते हैं आज की कड़ी कैसे बनी हुई है। तो ये रही हमारी कड़ी की कढ़ाई, ये वैसे तो पीली है जैसे कड़ी होती है, बट शायद मेरा कैमरा खराब है। रखती हूँ थोड़ा सा, कैमरे में कड़ी का कलर कुछ अलग दिख रहा होगा, बट है वैसी जैसे होती है। और ये दो दो पकौड़ियाँ हैं सबके लिए। आज की कड़ी का स्वाद, और मैंने चटनी भी बना रखी थोड़ा सा पुदीने और हरी मिर्च और टमाटर की, जो टमाटर घर के हैं हमारे गमलों में लगे हुए। टाइम तो मिला नहीं मुझे वीडियो बनाने का जब मैं चटनी बना रही थी। तो ये देखिए हमारा आज का स्पेशल लंच, कड़ी चावल। तो बताती हूँ आपको कैसे बनी है, मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहिए। चावल खा रहे हैं तो चीकू के लिए खिचड़ी बना रखी मैंने। ये रही चीकू की खिचड़ी, किसी दिन बताऊंगी आपको कि मैं किस किस चीज़ की खिचड़ी बनाती हूँ चीकू के लिए। तो फ्रेंड्स कड़ी भी अच्छी बनी थी आज की, ठीक बनी थी। और मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं, और 3 बज चुके हैं तो थोड़ा सा सोती हूँ मैं, और इनको भी सुलाती हूँ। हाय चीकू, बाय करो बाय। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।